अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हैप्पी संडे, सबको मुबारक हो। सब खवातीन जो है ना डबल काम करती हैं आज संडे वाले दिन, तो आज मैं भी डबल काम करके अभी फ्री हुई हूँ और अभी जो है ना थोड़ी देर के बाद फिर से डबल काम करना है हमें किचन में। तो किचन में जाने से पहले जो है ना ये जो बर्तन जो मैंने सुबह धोए थे और इसको ड्राई करने के बाद जो है ना अब लगाएंगे पहले किचन में और फिर किचन में खाने छाने बनाते हैं। आज खाने में क्या बना रही हूँ वो आप लोगों को शेयर करूँगी। और जनाब आप लोग का थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आप लोगों की। और उसके अलावा बस जी मेरे साथ रहना है आप लोगों ने और खुश रहना है आप लोगों ने। बी हैप्पी लाइफ। तो जनाब आज जो है ना यखनी पुलाव इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज संडे का दिन है। अक्सर जो है ना संडे वाले दिन दाल चावल यही चीज़ें बन रही होती हैं। तो आज जो है ना मेरा पुलाव खाने का दिल चाह रहा था। और कल जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने जो है ना बच्चों से पूछा था और हम लोगों ने बनाया था अचार गोश। तो अचार गोश जो है ना दोपहर को खाने की नौबत नहीं आई क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता किया था। और अभी जो है ना शाम के 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और अब हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। तो अभी जो है ना इनके अंकल आए थे और अंकल लेकर आए थे बहुत सारे फ्रूट्स और जैसे कि पिछली दफ़ा भी इसी तरह लेकर आए थे। तो ये बनाना हो गए, मैंगो हो गए, आड़ू, चीकू, फल सा। और इनके पापा तो बहुत सारे लाते थे, अब तो वो नहीं है तो इनके अंकल बहुत सारे लाते हैं फ्रूट्स। तो अब वो भी जा रहे हैं मलेशिया और तो उन्होंने सोचा कि चले जाते जाते फ़र्ज पूरा कर दूँ। तो वो फ़र्ज पूरा करने आए थे अभी और फ्रूट सब जो है ना अब ये चले जाएंगे तो फिर इनके अंकल चले जाएंगे तो इनके पापा के वेट करूँगे कि वो कब आएंगे ताकि फ्रूट्स वगैरह फिर और कौन ला के देगा। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है बाहर जाना, तो यहाँ करीब में कोई अच्छा फ्रूट्स भी नहीं मिलता ना। तो चले जी झटपट से बनाते खाना। जनाब पुलाव बनाने के लिए जो है ना मैंने चिकन ले ली है जो कि कल मैंने यूज़ की थी आधी और आधी मैंने बचा ली थी जो कि मैं पुलाव में डाल रही हूँ और हाफ के जी जितनी होगी। हम लोग वैसे भी बच्चे और मैं ही हैं तो बहरहाल ये देख लें। छोटी इलायची बहुत ज़्यादा है इसमें, मैं ज़्यादा डालती हूँ। और गरम मसाले में मैंने जो जो चीज़ें होती हैं ये सौंफ थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, सूखा धनिया ज़्यादा डालती हूँ और यखनी पुलाव मसाला। तो ये जो है ना हमारा पुलाव बहुत धुआंधार मज़ेदार वाला, ऐसी कोई खुशबू आती है अगर हम ये मसाले ना डालें ना घर के तो मज़ा नहीं आता। तो इन मसालों को जो है ना अगर आप लोग भी डालेंगे, और अदरक लहसुन मैं इसमें नहीं डालती हूँ, मैं डालती हूँ बाद में, और मेरा क्या तरीका है मैं आप लोग को बाद में बताती हूँ। और इनको तोड़ लेती हूँ ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए ना चावलों में, ढक्कन खुले तो पड़ोसियों में खुशबू जानी चाहिए तो अच्छी बात होती है खाने में खुशबू और लज्जत। ये दो चीज़ें जब तक ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसको जो है ना मैं तोड़ के डालती हूँ कुछ इस तरह से। तो चलें जी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलें शुरू करते हैं। और जी ये शान का जो साशे है ये पूरा ये भी डाल रही हूँ। तो जनाब ये देख लें मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और अब हम लगाएंगे तीली। तीली यानी माचिस की तीली, वो वाली तीली नहीं जो घरों को बर्बाद करती है। तो बस जी मैं अभी इसमें जो है ना माचिस की तीली अभी लगाती हूँ और फिर इसको जलाते हैं चूल्हे को। अब हमारी यखनी हो गई है रेडी और मैंने इसको कुछ ज़्यादा नहीं पकाया, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने जो है ना इसको बॉईल किया है और अब मैंने इसको उतार दिया है। अब जो है ना प्याज के अंदर बहुत सारा ज़ीरा यानी कि 2 टेबल स्पून बस जी, और गरम मसाला वगैरह साबुत कुछ भी मैं ऐड नहीं करने वाली। और अब इसको ब्राउन करते हैं। तो जनाब अब जो है ना ये टमाटर वगैरह, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तो टमाटर जो है ना और उसके साथ साथ मैं क्या डालने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और पूरी रेसिपी मैं इसलिए दे रही हूँ आज क्योंकि मेरी फ्रेंड सदफ जो मेरी क्लास फेलो है तो वो मुझसे नाराज़ हो रही थी, कह रही थी कि तुम अपनी रेसिपीज क्यों नहीं देती हो, मुझे तुम्हारे हाथ के खाने बहुत याद आते हैं और पसंद भी थे, तो रेसिपी डाला करो ताकि हम भी थोड़ा सा उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। तो सदफ ये आपके लिए। इसमें मैंने लार्ज 2 टमाटर काटे हैं, कुछ 7-8 हरी मिर्चें हो गई और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक मैंने ये रख दिया है और साथ साथ अदरक लहसुन और वो रहा फूड कलर।
तो बस ये लास्ट में डलेगा और इसके बगैर जो है ना खाना मुझे तो पसंद है। और ये मैंने प्लेट खाली इसलिए रखी है कि मैंने प्याज निकालने हैं, तो इसको ब्राउन करने के बाद जो है ना मैं प्याज निकाल लूँगी। हमने प्याज जो है ना निकाल लिया, थोड़े बहुत जो रह गए वो अभी रहने देंगे। और साथ ही साथ हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इस तरह से चिकन को छान के निकाल लेंगे। और जो गरम मसाला साबित या जैसा भी आ रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं ऐड करने वाली मैं, सिर्फ चिकन के पीसेस डालूंगी इसमें मैं। ये देखें इस तरह से, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करने वाली, सिर्फ ऐसी बूटियाँ अलग कर लूँगी और मसाला वैसे ही रहने देंगे उसके अंदर। चिकन को हम लोग कर रहे हैं फ्राई अच्छे तरीके से, 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करने के फौरन बाद जो है ना हम डालेंगे टमाटर और ये सब सामान जो मैंने साथ में रखा है। और ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव होता है। और चिकन का यखनी पुलाव मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वाइट पकाना जो है ना फजूल है, क्योंकि मज़ा नहीं आता उसमें, या मटन या बीफ में अच्छा बनता है। और चिकन में जो है ना ये मसाले वगैरह ये ऐड करने चाहिए तो उसमें जो है ना ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैं कुछ इसी तरह से बनाती हूँ। मेरे पास अभी पुदीना नहीं है, वरना पुदीना की चंद पत्तियाँ अगर इसमें ऐड कर देते ना तो और ज़्यादा लजीज बनता है। यानी ऐसा समझ लें कि कम वक्त में बिरयानी पक जाती है। तो नमक मैंने यखनी में नहीं डाला था तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी भले यखनी में यूज़ करें या इसमें ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है। तो जनाब हमारा मसाला हो गया रेडी और अब जनाब डाल रही हूँ मैं यखनी। अब देखें कुछ इस तरह से टेक्सचर हो जाता है मसाले का, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कलरफुल कढ़ाई गोशी ना इतना मज़ेदार था। तो बस जी चटपटा सा पुलाव बनाते हैं। बस जी छन्नी की मदद से जो है ये सारी यखनी मैं इसमें डाल रही हूँ और ताकि कचरा इसमें ना जाए ना, सौंफ और वो जो सारा हम लोगों ने देखें ये सारा ये बचा लिया। हमारा पुलाव होने वाला रेडी और ये देखेंगे। और साथ साथ जो है ना आज मैं किसी के चैनल पे गई, सीनियर बहुत रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। और उन्होंने कबूतर और कबूतरी पे जो एक उन्होंने एक स्टोरी सुनाई ना, और वो गाना जो था ना बड़ा ही याद आ रहा है मुझे अब उनका, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हूँ, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो वाकई वो इतना तो ज़बरदस्त उन्होंने गाना जो है ना बताया, तो वो जो है ना लफ्ज अल्फाज, बस जिनको सिंगिंग का शौक है वो जो है ना पुराने हो नए हो सबको इंजॉय कर रहे होते हैं। अब हर कोई मुझे बोलेगा कि अरे गाना गा रही है फलाना हो रहा है, तो भाई हम भी मुसलमान हैं, सारे काम करते हैं, नमाज भी हर चीज़ करते हैं, वक्त हर चीज़ पर वक्त है, मगर एक शौक़ होता है, जौक होता है इंसान का, वो इंसान का ख़त्म नहीं हो सकता। और मेरा एक अपना शौक है, मैं हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे इंजॉय करती हूँ। यानी कि कुकिंग के टाइम कुकिंग, घर के टाइम घर, माँ की जगह माँ हूँ, बीवी की जगह बीवी हूँ। और अपना जो एक छोटा मोटा सा साइड में कॉर्नर वाला एक शौक है सिंगिंग वाला, तो वो भी चलता रहता है मेरा। हर मुझे उनकी जो है ना ये वाला गाना मुझे अभी तक मिस कर रही हूँ मैं। आप ये देख रहे हैं हमारा धुआंधार पुलाव जो कि मैंने गार्निश किया है ऊपर से, और अभी देखें दम भी आया हुआ है ना अच्छा खासा इसका, ये देखें। तो अभी तो भूख नहीं लग रही शायद आप लोग को लग जाए। चलें जी हमारा खाना हो गया रेडी और एक और चीज़ शेयर करानी है आप लोगों को, वो ज़रा दिखाते हैं और वो फासिया खुद कराएगी। फासिया जो है ना आज बहुत ज़्यादा खुश है, वो इसलिए कि इनकी बड़ी अम्मी लेकर आई हैं इनके लिए सूट। ये देखें जी फासिया का जो है ना सूट लेकर आई हैं इनकी बड़ी अम्मी, इधर दिखाओ करीब से।
और डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा नायाब सा बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। और ये बंच बने हुए इस तरह से कुछ ना, बड़े खूबसूरत से यहाँ पे, और फ्रंट पे अंगरखा स्टाइल का रखा हुआ है। और ये स्लीव्स हैं, तो इनकी जो बड़ी अम्मी है ना, वो जब भी आती हैं कुछ ना कुछ लेकर ही आती हैं। कल उन्होंने जो है ना शायद मार्केट गई, तो वो फासिया के लिए जो है ना ये सूट लेकर आई हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। क्योंकि इनकी बड़ी अम्मी के पास जो है ना बेटी नहीं है, उनके दो बेटे हैं, और उनको बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी बेटी हो तो मैं उसे सजाऊँ, उसे लिपस्टिक लगाऊं, उसकी पोनियां बांधूं। तो जब से मेरी फासिया जो है ना पैदा हुई है, तो मेरी फासिया से बड़ा उन्हें मोहब्बत है। तो वो जो है ना कुछ भले पोनियां ही क्यों ना लेकर आए, जब भी वो मेरे घर पे आती हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। तो बहरहाल ये उनके लिए फासिया के लिए सूट लेकर आई थी, तो सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।